पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। खबर है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या फिर 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस में कलह खत्म करने की कवायद, गहलोत और पायलट गुट में खत्म होगी तकरार, पंजाब के बाद राजस्थान में डैमेज कंट्रोल की कोशिश। राजस्थान कांग्रेस में विवादों का जो बवंडर बीते कई महीनों से पार्टी की मुसीबत बना है, अब उसी बवंडर को थामने के लिए दिल्ली से लेकर राजस्थान के बीच हलचल और तेज हो गई है। पंजाब की ही तर्ज पर राजस्थान में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच ठनी रार पर ब्रेक लगाने के लिए अब मोर्चा संभाला है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल ने। जयपुर में इसी कलह को खत्म करने के लिए अब कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हम लोग 28 और 29 को मैं दो दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। इतना ही नहीं, विधायकों और पदाधिकारियों की इस बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी गुटबाजी की खबरों से इनकार कर दिया। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्ति वो भी जल्दी होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आलाकमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ, जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल जाएगी। गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया, वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी, आराम से सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1-to-1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार, अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1-to-1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी तनातनी की एक तस्वीर उस वक्त सामने आ ही गई जब बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट पार्टी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पायलट के लिए ऊर्जावान शक्तिमान नौजवान, उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनना चाहिए। हम आलाकमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, तब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच चल रही सियासी तनातनी को दूर करने के लिए कैबिनेट में फेरबदल का सहारा लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार,
कैबिनेट में फिर बदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इतना ही नहीं, न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक गहलोत और पायलट गुट के बीच मचे घमासान को सुलझाने का फॉर्मूला भी अब तैयार कर लिया गया है। दरअसल सचिन पायलट चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनके गुट को उतनी भागीदारी मिले जितनी भागीदारी 2018 में सरकार के गठन के वक्त थी। तब गहलोत और पायलट गुट के आधे आधे मंत्री थे, यानी मंत्रिमंडल में 50% भागीदारी पायलट की थी। तब पायलट के कोटे से पायलट समेत 10 मंत्री थे, जिनमें से पायलट समेत 3 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बगावत के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट गुट के एक मंत्री भंवरलाल की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी पायलट कोटे के 6 मंत्री गहलोत मंत्रिमंडल में हैं। एक साल पहले बगावत के वक्त इन मंत्रियों ने गहलोत का साथ दिया था, इसीलिए पायलट फिलहाल इनमें से किसी को अपने कोटे का नहीं मान रहे हैं। पायलट चाहते हैं कि इन मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बनाए जाएं, हटाए गए मंत्रियों की जगह भी नए मंत्री बनाए जाएं। उधर गहलोत चाहते हैं कि इन मंत्रियों को हटाने की बजाय बर्खास्त मंत्रियों की वापसी हो या उनकी जगह पायलट नामों की सूची दें। लेकिन पायलट अपने कोटे से सभी नए मंत्री और उनका विभाग पहले से ही तय करना चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। गहलोत पायलट कोटे में कटौती करना चाहते हैं। गहलोत चाहते हैं कि निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को सरकार में भागीदारी दी जाए। इधर पायलट का तर्क है कि इससे अगले चुनाव में नुकसान हो सकता है, पार्टी की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। पहले से 101 विधायक हैं, तो निर्दलीय की भागीदारी क्यों? फिलहाल राजस्थान कांग्रेस किसी भी कीमत पर विवादों की इस खाई को पाटना चाहती है, लेकिन तय ये भी है कि सुलह के फॉर्मूले में जरा सी चूक इस खाई को और चौड़ा कर सकती है। और यही वजह है कि अब गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में है, जिसे ये तय करना है कि राजस्थान कांग्रेस की सियासी दिशा भविष्य में क्या होगी।